गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट एंड मोशन, और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करा था आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उन क्वेश्चंस को आगे हम प्रोसीड करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपसे बोला था कि वेक्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा समझाऊंगा, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो वो भी मैं आज, जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा, आई होप सो वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं, समझते हैं। इजी से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और टफ से टफ क्वेश्चन पे लेके आपको जाऊंगा। टफ क्वेश्चन नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को मैं चाहता था मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस देता, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करा ही देना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे। इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपको जहां भी जिस बुक में मिले आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूं, तब तक आप इसको देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन हमें कह रहा है कि ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, कोई पर्सन है जो ए से बी पे जा रहा है एंड रिटर्न बैक बी टू सी, और बी से सी पे वापिस आ रहा है। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो इंसान है जो ए से पहले कहाँ चला, बी, और बी से वापस कहाँ पर आया, सी पे। तो ए से बी की दूरी आपको दे रखी है 200 मीटर, बी से सी की दूरी दे रखी है 60 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो मैं बताता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने कहा था हमेशा एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा एड होता है। तो ए से बी वो कितना चला, ए से बी वो चला 200 मीटर, फिर बी टू सी कितना चला 60 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला वो 260 मीटर। सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इसका था ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। मतलब ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे ए बी में से बी सी माइनस करके। अगर मैं ए बी में से बी सी माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो ए सी होगा। तो ए बी कितना है 200, बी सी कितना है 60, सो डिस्प्लेसमेंट इज बिकम 140 मीटर। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। आई होप कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। डिस्टेंस में सब कुछ ऐड कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजिशन की जो लेंथ थी उसको कह रहे थे। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट मूव 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर ईस्ट जा रहा है, फिर 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये आपके दिमाग में फील होना चाहिए। आपको इंडिया मैप के अगर पता ही होगा ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, दिस साउथ, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप एक ओरिजिन मानिए, एक ओरिजिन पॉइंट पे आप खड़े हैं। अब 4 मीटर आपको ईस्ट इधर जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जाना, तो 4 मीटर आप क्या करेंगे इधर, दिस इज समथिंग लाइक दिस, और इसको लिख देंगे 4 मीटर। 4 मीटर आप कहाँ चले गए, ईस्ट में। फिर आप कहाँ चले, 3 मीटर नॉर्थ में। नॉर्थ का ऊपर है तो आपको ऊपर जाना है यहां से 3 मीटर। फाइनली आप पहुंच गए यहाँ पे, मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे दो चीज पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस क्या करेंगे, डिस्टेंस में आपको कुछ, डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, सो इजी दिस इज 7 मीटर आंसर, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, लुक, डिस्प्लेसमेंट इज द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज गोज फ्रॉम ए टू बी टुवर्ड ईस्ट एंड देन इट मूव टुवर्ड नॉर्थ, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो वी नाउ वी गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इज एसी इज अंडर रूट एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी? इज 4 का स्क्वायर. नाउ 3 का स्क्वायर आई थिंक कैन इजिली गॉट इट. 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 and the value is 5 meter. So the displacement is 5 meter. So this question is very easy according to me. और नॉर्थ ईस्ट के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे according to direction in your book. So try to solve this question. First you draw, you have to make an image of east, west, north, south. ठीक है, then you can easily make the diagram and solve the question. इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन अभी कराता हूँ ताकि उससे आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, now just write it and we are going to move on the next question. देखिए next question क्या है, same इसी pattern पे next question है हमारा. question है an object move 8 meter toward east, then 5 meter toward north and again 4 meter toward east, find the distance and displacement. मैंने आपको बोला था पहला ऐसा view बना लीजिए ताकि आपको tension ना हो. अब आपने करना क्या है, इसको ध्यान रखते हुए क्या करना है, इसको diagram बनाना है. आप एक इनिशियल पॉइंट पे हो और यहां से आप कितने गए पहले 8 मीटर, तो आप 1 मीटर एक लंबा लाइन ड्रॉ कीजिए. 8 मीटर, दिस इज 8 मीटर टुवर्ड कहां गए, ईस्ट. आप ईस्ट में आ गए, अब यहां पे आप आगे रुक गए. अब बोल रहे हैं देन 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यू मूव 5 मीटर, 5 मीटर टुवर्ड north, toward north, then again 4 meter toward east, then you're going again from here 4 meter, you move never 4 meter toward east. Now this is point A, this is point B, this is point C and this is point D. And to calculate displacement what you need to do, we have to join these two lines. This is the initial point and this is the final point. Now we have to calculate distance and displacement. As the mentioned question mentioned here, we have to find distance and displacement. So for distance, what you need to do, we just need to add all the value. This person move, yeah, this object move from A to B. So first we move A to B, then B to C and then C to D. Simply no need to do anything extra. This is 8 meter, this is 5 meter and this is 4 meter. I think 17 meter, 8 plus 4 is 12 and this is 17 meter. You can easily calculate it. Now for displacement, you have to calculate the value of AD. And how can you calculate the value of AD? You need to do some construction here. Draw a simple perpendicular line here and meet with this line. Let this point is M. The DM is parallel to BC and equal to BC. So if BC is 4 centimeter, then DM is also 5 centimeter. Sorry, if BC is 5 centimeter, then DM is also 5 centimeter. And if CD is 4 centimeter, then BM is also 4 meter. The meter is there, meter, centimeter, sir, centimeter. जो मेंशन होगा कोई लेना है. अगर BC की वैल्यू 5 मीटर है तो MD की वैल्यू या DM की वैल्यू भी 5 मीटर होगी क्योंकि दोनों इक्वल है. और CD की वैल्यू अगर 4 मीटर है तो BM की वैल्यू भी 4 मीटर होगी. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको AM की वैल्यू कितनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM? AM की वैल्यू आपकी है 8 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 12 मीटर. आपके पास DM की वैल्यू पता है आपको? DM कितना है? 5 मीटर.
Now can you easily calculate the value of AD? What is the value of AD by the help of Pythagoras theorem? AM का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू. दिस इज 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, एंड दिस इज 5 का स्क्वायर. अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का 25 जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 169 और जिसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 मीटर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये कंफ्यूज मत होइएगा, 5 मीटर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 13 मीटर. तो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब मुझे लगता है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, बुक में कोई सी भी उठा लो, प्रदीप उठा लो, एसचैन उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अबाउट डायरेक्शन. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम. देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर. आपसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब, एक रेवोल्यूशन के लिए दूसरा हाफ रेवोल्यूशन के लिए. मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये आपको मेंशन है. अब बोल रहा है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब यहां से घूम के वापस यहां पर आ जाएगा, तो उसका डिस्टेंस निकालना है फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है. पहले कंडीशन में मैं कंडीशन नंबर 1 में आपको देख लेता हूं डिस्टेंस. ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने कराया था लेकिन बच्चे बोल रहे सर तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन भी कराइए ताकि बाकी बच्चे को समझ में आए, एकदम मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए. अब देखिए यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ रहा है, मीन्स कितना घूम रहा है वो, एक पूरा सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा 2πr. तो डिस्टेंस इज 2πr. ऑब्वियसली इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है 7 मीटर, आपने किया कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 44 मीटर. दिस इज डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसमें फर्स्ट केस में, तो इनिशियल पॉइंट अगर मान लीजिए ए था तो फाइनल पॉइंट भी क्या होगा, ए ही होगा वापस घूम के एक रेवोल्यूशन में. तो इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन मीन्स यहां से घूम के गाड़ी पहुंच गई आपकी यहां पर बी पॉइंट पर, ये है आपका. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, सेकंड पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या है, फोर रेवोल्यूशन के लिए 2πr, तो हाफ के लिए कितना होगा πr. पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 × 7 गया, दिस इज 22 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट अब बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से आप बी तक पहुंच गए, तो ए से बी तक पहुंच गए तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो साथ ये और साथ ये कितना हुआ 14 मीटर. 14 मीटर वेक्टर लाइन निकालनी है आपको इनिशियल से फाइनल, सीधा लाइन जोड़ दीजिए तो डायमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा. एक एथलीट है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the distance covered and displacement at end of 2 minute 20 second? कोई एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है और उस भाई साहब का डायमीटर दे रखा है आपका 200 मीटर, दिस इज 200 मीटर आपको गिवन है, मीन्स रेडियस ऑब्वियसली कितना होगा 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर. ठीक है और ये पूरा एक राउंड लगा रहता है कितना 40 सेकंड में. आपसे पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड तक उसने दौड़ लगाई है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है. पहली बात तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको दिया हुआ है डायमीटर,
डायामीटर ऑफ सर्कल दे रखा है कितना, 200 मीटर। तो भाई रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल 200 बाय 2, दिस इज 100 मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं होगा। अब मैंने बोला सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही उसका डिस्टेंस होता है, तो अगर एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना सा सर्कमफ्रेंस है। तो मैं डिस्टेंस बोलूं या सर्कम, डिस्टेंस या सर्कमफ्रेंस, और डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो व्हाट इज 2, इतना ही है, दिस इज 22/7, आर इज 100, सो इट्स बिकम 4400/7। ये आपका कवर कर रहा है कितने में, एक राउंड में, कितने में कर रहा है, एक राउंड में, इतना आपको दे रखा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में, 40 सेकंड में, ठीक है, तो इन 40 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 400/7, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, चार सौ बट्टा सात इंटू 40, ये कितना करेगा 1 सेकंड में। आपको निकालना कितने में डिस्टेंस, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड कितना होता है, 2 मिनट 20 सेकंड मीन्स 2 × 60 + 20, इट्स 140 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना, तो 140 सेकंड में कितना करेगा देख लेते हैं। तो 140 सेकंड में उसने कवर करना है आपको 407/40 × 140, 0 से 0 आप काटिए, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, एंड दिस इज नियर अबाउट, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सो करिएगा तो कितना आएगा, दिस इज 200, ऐसे कैलकुलेट करना। हाँ देखिए जैसे मैंने कहा था 2 पाई आर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 2 × 22 = 4400, 4400 आएगा, जो हमने 400 कर दिया था बाय द मिस्टेक, सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक बिकॉज। तो 40 सेकंड में कितना होगा, इतना, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 4 4 एंड दिस इज 0, ठीक है, तो एक 0 और ऐड करते जाइए, 4400 आपने निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड का, अगर 2 मिनट 20 सेकंड 140 आता है तो दिस इज अगेन जो मिस्टेक थी इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, दिस इज बिकम 4400/7 × 40 × 140, दिस 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और इसको कटेंगे तो दिस इज 2200 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 2.2 किलोमीटर। फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। डायमीटर हमको दे रखा है 200 मीटर, रेडियस कितना रखा आपको, रेडियस दे रखा है आपको पता है, आपको डायमीटर हाफ होता है 100। अब सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर, दिस इज 4400/7। अब ये 4400/7 कितने में कवर कर रहा है, 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 44/100, तो एक में कितना करेगा, 44/7 × 40, ठीक है, 44/7 कर रहा था आपका 40 सेकंड में, तो एक में करेगा 44/7 × 40। अब आपको निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में, कितना निकालना है, 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड होता कितना है, 2 × 60 + 20 = 140 सेकंड। नाउ 140 सेकंड, ठीक है,
140 सेकंड में कितना करेगा, एक सेकंड में इतना किया तो 140 में कितना करेगा, इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 2.2 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका निकल गया इसका डिस्टेंस। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने क्या कवर करना है, आपको 140 सेकंड तक मूव करना है। तो एक सर्कल आप कितने में कवर कर रहे हो, 40, 40 सेकंड बाद आप यहां पहुंचे। फिर दूसरा सर्कल कवर किया तो कितना हो गया, 80। तीसरा कवर करके आया तो कितना आ गया, 120। मतलब 120 में आप तीन राउंड मार चुके हो, बचा आपके पास कितना, 20। कितना बचा, 20 सेकंड, 140 सेकंड। तो 20 सेकंड में घूम के आप कहां पहुंचोगे, ये राउंड मार के आप पहुंचोगे यहां पर। मतलब 2 मिनट 20 सेकंड बाद आपका एग्जैक्ट लोकेशन कितना होगा, ये अगर ए है तो यहां पर आप पहुंचोगे बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया दिस प्लस दिस में 200 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, क्योंकि लिखने में हो जाता है कभी कभी, इट्स नॉट ए बिग डील। 22 को हमने इंटू नहीं करा, ठीक है, सीधा हमने 400 कर दिया था, उसके वजह से आगे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कोई डायरेक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कितना हुआ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक आपके पास क्लॉक दे रखा है जिसका एक मिनट हैंड है, आपने देखा वो मिनट हैंड, इसका लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पता है, पहले क्लॉक बना लीजिए, दिस 12, दिस इज 6, दिस इज समथिंग 3 एंड दिस इज 9। इस तरह से क्लॉक पूरा घूमता है, आपको पता होगा। यहाँ पर आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 11 एंड टोटल 12। इस तरह से आपका क्लॉक घूमता है पूरा। आपको निकालना है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 60 मिनट, मतलब 60 मिनट बाद ये वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो अगर मैं पहला कंडीशन लूँ, कंडीशन नंबर 1, आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट वाला केस ले रहा हूँ मैं, 60 मिनट बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा, पूरा एक सर्कमफ्रेंस इतना 2πr, 2πr, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर इज 40, इजिली कट हो जाएगा एंड इट इज बिकम 88 मीटर। आई होप सो इजिली समझ में आ गया आपको। सेकंड इसमें पूछा था आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। अब देखिए घूम के वापस 60 मिनट बाद यही पहुंचने वाला है, इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, क्या हो गया, 0। सेकंड केस, केस नंबर 2, कौन सा, 30 मिनट, 30 मिनट बाद ये कहां पहुंच जाएगा भाई साहब, यहां पे। तो डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर, दिस इज 22/7 इंटू 44 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, दिस इज फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इज 14 + 14, दिस इज 28 मीटर। यहां से यहां तक का डायमीटर टोटली। तीसरा केस देख लीजिए, थर्ड केस किसका था, 15 मिनट्स वाला, मतलब कहीं यहां पहुंच गया आपका ये। अब कितना चला ये यहां से यहां तक, तो आपका डिस्टेंस निकाल लीजिए। पहले कितना निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना चला था, 2πr, तो पूरा था 2πr का कितना चला है, 1/4। काटिए, 1, this is 2, this is pi r by 2,
This is 22 by 7. What is the value of R? This is 14, and this is again by 2. 2 say 2, 11. This is 2. This is 22 meter. 22 meter. ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे डिस्प्लेसमेंट पे. डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. तब तक इसको आप नोट कीजिए आराम से, फिर आते हैं हम इसके डिस्प्लेसमेंट पे. और डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी है, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है. इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल. पाइथागोरस हम सब निकाल लीजिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए. कितना आया? अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दिस इज 14 रूट 2. 14 रूट 2 मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इतना लिखिए, फिर आते हैं लास्ट 10 मीटर वाले पे. इस लास्ट क्वेश्चन से पूछा है 10 मिनट का, तो 10 मिनट बाद ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कहीं, मतलब इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है. तो जब मैं पहले बात करूंगा डिस्टेंस की, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि इस नंबर फोर्थ कौन सा है, 10 मिनट वाला. पहले बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस की, पहले डिस्टेंस समझ लीजिए, फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट का. अब मुझे पता है कि भाई साहब 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 2 पाई आर. 60 मिनट में घूम के वापस यहीं पर आ जाएगा नागपुर, एक रेवोल्यूशन, 2 पाई आर. तो एक मिनट में कितना कर रहा होगा, 2 पाई आर अपॉन 60. तो 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट में करेगा आपका 2 पाई आर अपॉन 60 इंटू 10. नाउ पुट द वैल्यू, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज 14 इंटू 60 इंटू 10. 0 से 0, 7 जा 7, 7 2 जा 14, इसको काटो, 2 3 जा 11 जा 11 2 जा 22 22 2 जा 44. 44 अपॉन 3 मीटर इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितना चला वो, 44.3 मीटर. सो कर लीजिए, फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. मान लीजिए अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें. अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा AOB का एंगल. तो मान लीजिए कि आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 60 मिनट में हो रहा है. तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ा सा लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा टेक्निकल है समझिएगा. 360 डिग्री पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा एक रेवोल्यूशन आपका हो रहा है 60 मिनट में. तो ऐसे ले सकते हैं ना आप, 60 मिनट में कितना कर रहा है ये, 60 मिनट में पूरा घूम के एक रेवोल्यूशन मार रहा है, मतलब 360 डिग्री घूम रहा है. तो एक मिनट में कितना घूम रहा होगा, 360 डिग्री अपॉन 60 नहीं घूम रहा होगा. तो 10 मिनट में कितना घूमा होगा, 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 10. कैंसिल करो, 0 से 0, 6 से 6, मीन्स 60 डिग्री, मीन्स ए ओ बी की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री. अगर ए ओ बी यहां पर आ जाइए, अगर एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री है, और ए ओ या ओ ए ओ बी के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर दोनों की,
ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल एओबी क्या होगा? इक्विलेटरल। क्या होगा? इक्विलेटरल। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एबी की? 14 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर। अगर प्रूफ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये आपका थ्योरम है जो हम आगे आके पढ़ेंगे। तो अगर कोई एंगल दोनों के बीच 60 डिग्री है और दो साइड्स इक्वल है, तो बाय द हेल्प ऑफ SAS साइड एंगल साइड द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल एंड AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा आपका स्पीड वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया था, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वेक्टर से। वो आपको मेरे YouTube चैनल मिलेगा। YouTube चैनल कहाँ मिलेगा? इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निशियन वो एक प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम थी? कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, आप जब सोचते हो लिखते कुछ और हो तो हो जाता है। उसको देख लीजिएगा, दुरुस्त कर लीजिएगा। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।